एक नई बिल्डिंग बनी हुई है और ये भाई साहब हमको घर दिखाने के लिए जा रहे हैं। मॉर्निंग फ्रॉम बुल्गारिया। हम लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी बुल्गारिया की कैपिटल सिटी सोफिया से, फिर उसके बाद हम गए सेंट्रल बुल्गारिया की सिटी प्लोवदीव में, उसके बाद हम लोग ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में आए जो था बुर्गस, और अब हम वहीं से आगे आगे पहुंच चुके हैं वारना में। वारना यहाँ की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर सोफिया एंड प्लोवदीप। वैसे बोलने में भी गड़बड़ हो रही है, कभी कभी हो जाता है, इससे कोई बात नहीं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि मैं एक टेरेस में खड़ी हूँ, हमारी अकोमोडेशन का ही एक पार्ट है ये। वारना की बहुत ही एक पीक सेंट्रल लोकेशन पे हमें ये अकोमोडेशन मिली है मात्र 13 यूरो में, जो कि पढ़ते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से 1200 रुपये पर नाइट के लिए। ये पूरा टेरेस हम यूज कर सकते हैं, बेडरूम मिला है, टॉयलेट बाथरूम मिला है, नीचे का कॉमन एरिया भी है। बहुत ही मतलब अभी तक का ये बेस्ट अकोमोडेशन मैं बोलूंगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि बुल्गारिया में अकोमोडेशन वाकई बहुत सस्ती है। इससे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यहाँ पर क्यों ना प्रॉपर्टी के प्राइस पता किए जाए। और बाय द वे मेरी इस घर की जो ओनर है उनसे बात हुई थी, तो इस घर का प्राइस है लगभग 1,35,000 यूरो, और ये इसका एरिया 123 स्क्वायर मीटर है। और बाय द वे ये घर बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, यहाँ से वारना का जो बीच है वो 10 मिनट बाय वॉक है। तो अगर मैं इस घर के प्राइस को कंपेयर करूँ अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी से, तो प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। मतलब रीजनेबल क्या, बिल्कुल लूट लो वो वाली प्राइस है। लेकिन यहाँ बुल्गारिया में लोगों की सैलरी, उनके एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह को अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये प्राइस यहाँ भी अच्छा खासा प्राइस है। तो वारना को घूमने के साथ साथ आज हम कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइस पता करने की। प्रॉपर्टी के दाम पता करने से पहले यार थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। वैसे बुल्गारिया में रेस्टोरेंट के प्राइजेस और खाने के ऑप्शंस के बारे में आपने हमारे पिछले बुल्गारिया ट्रैवल व्लॉग में देखा ही होगा। और ये आ गया है हमारा ब्रंच, पिज्जा, सैंडविचेस, जूस और एक कॉफी थी जो हम पी गए। ये सब कुछ मिला के आया है 13 लाख के आसपास। तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा रीमैक्स प्रॉपर्टी शोरूम है। यहाँ पर अब हम लोग आए हैं पता करने के लिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के क्या रेट्स हैं, देखते हैं कुछ जानकारी मिलती है या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो रीमैक्स का ऑफिस है ये तो बंद है, पता नहीं क्या कुछ समझ में नहीं आया, बाहर कुछ नोटिस वगैरह भी लगा हुआ था तो। लेकिन यहाँ बाहर कुछ एडवर्टीजमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है फॉर सेल। तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ये वाली है 92 मीटर स्क्वायर का एरिया का घर है जो कि 2000 में बना हुआ है, और ये करीब मिल रहा है 1,14,000 यूरो, जो कि करीब पड़ता है इंडियन रुपीस के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसी तरीके का दूसरा एक देखा जैसे ये 100 मीटर स्क्वायर का है, ये थोड़ा ज़्यादा पुराना है, 1970 का बना हुआ है, और ये पड़ रहा है 1,13,000 यूरो का। तो इससे ये पता लगता है कि हाँ यहाँ पर बुल्गारिया में अगर आपको ठीक ठाक से मीटर स्क्वायर का घर आपको लेना है तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए तक का पड़ सकता है। मतलब जो यहाँ की
यूरोप की जो सबसे सस्ती हम जिसको बोल रहे हैं कंट्री, उसमें इस रेट का पड़ रहा है घर। और यहीं पर अगर रेंट पे अगर रहना चाहते हैं तो रेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे 80 मीटर स्क्वायर का भी मैंने देखा घर, वो मिल रहा है मंथली 400 यूरो, तो करीब करीब पड़ जाता है 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास का। और जैसे 55 मीटर स्क्वायर का अगर लेना है तो वो 275 यूरो पर महीने का रेंट, जो कि पड़ जाता है 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास। तो अगर मैं रेंट की बात करूँ तो ऑब्वियसली जर्मनी की एक्चुअली किसी भी सिटी से सस्ता ही है यहाँ पर, बड़ी और छोटी दोनों ही सिटीज से सस्ता ही है यहाँ पर। और यहाँ रास्ते में चलते हुए हमें एक पार्क के बीच में स्टैचू मिला, महात्मा गांधी का स्टैचू जो मेरे पीछे है। और ये जो स्टैचू है, दिस हैज बीन प्रेजेंटेड बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और अच्छा लगता है जब इस तरीके से अपनी कंट्री के फेमस लोगों के स्टैचू ऐसे किसी दूसरी कंट्री में जाकर के देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मतलब काफी अच्छा लगता है और प्राउड वाली फीलिंग भी आती है। और वहां पर एक स्टेटमेंट लिखी थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। तो काफी अच्छा लगा, और ऐसे पता नहीं था, कुछ पढ़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मिलेगा रास्ते में, बट एकदम से पढ़ा रास्ते में तो लगा कि दिखाना तो बनता है। इस बिल्डिंग में भी हम घर देखने के लिए जा रहे हैं, नई बिल्डिंग बनी हुई है, ये एक नई बिल्डिंग बनी हुई है और ये भाई साहब हमको घर दिखाने के लिए जा रहे हैं। 5 मिनट में इन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स कर दी। वैसे यहाँ के बहुत ही हाई क्लास लोकेलिटी में ये बिल्डिंग बनी हुई है और हम 1,35,000 यूरो का घर देखने आए हैं। We have 3 apartments. Okay. This is with the 1 bedroom. Mm-hmm. So this is the common this is area. The kitchen. Ah, okay. This is the kitchen. So this will be open kitchen? Yes, open kitchen. Ah, okay. Here's that. Kitchen. Mm-hmm. This is the bathroom. Uh-huh. हम दूसरे अपार्टमेंट में आए हैं, ये है 1,70,000 यूरो का, बट ये वाला बहुत अच्छा है, 110 मीटर स्क्वायर का, 1,70,000 का। इसके अंदर 2 बेडरूम है, टॉयलेट बाथरूम, एंड ये यहाँ का लिविंग रूम है, नाइस बालकनी। और इसमें बढ़िया बालकनी भी है, आराम से बैठ के यहाँ चाय पियो और मौसम का मजा लो। लकली हमको इस प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खुला हुआ मिल गया, और जैसा कि हमारा मकसद था, जैसा कि हम चाहते थे कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करना अबाउट बाइंग प्रॉपर्टी इन बुल्गारिया, तो उसमें हम सक्सेसफुल हो गए। हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, काफ़ी अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि जो भी प्राइस है, जो भी जिस भी प्राइस का
अपार्टमेंट या हाउस है उसके ऊपर आपको 7% और देना पड़ेगा फॉर कमीशन एंड फॉर नोटरी फीस। एक अपार्टमेंट 83 मीटर स्क्वायर का था जो कि 1 बेडरूम 1 BHK कह सकते हैं इसको, वो 1,35,000 यूरो का था, जो कि तकरीबन बनते हैं 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए थोड़े से उससे, हाँ 1.25 करोड़ रुपए। और उसी फ्लोर पर एक और दो और अपार्टमेंट दिखाए, वो 2 BHK थे, उनका एरिया 110 स्क्वायर मीटर था एंड प्राइस 1,70,000 यूरोस के आसपास, सो करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए। बट ये यहाँ की बहुत प्राइम लोकेशन है वरना की, और वरना बड़ी सिटी है, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो विद ऑल द फैसिलिटीज। तो आई होप इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा बुल्गारिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस के बारे में, ऑल्दो क्योंकि हमने काइंड ऑफ मैक्सिमम दिखा दिया, नई बिल्डिंग, टॉप इलाका और सारी प्राइसेस, सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये काइंड ऑफ मैक्सिमम प्राइस बोल सकते हो, मतलब नियर अबाउट मैक्सिमम। और वैसे हम ट्रैवल व्लॉगर हैं तो हम ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजें दिखाते हैं, ये एक एक्सेप्शन था बट क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई और इंटरेस्ट भी आ गया तो हमने सोचा चलो कोई चलो पता करते हैं कि भाई हो सकता है सस्ता हो तो अभी खरीद ले नहीं यार इतने पैसे नहीं है तो वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। और जैसा कि हम बाकी वीडियोस में करते हैं आज के दिन के खर्चे, तो आज के दिन हम लोगों ने 62 लैव खर्च किए जो कि लगभग बनते हैं 30-31 यूरो, जो कि लगभग बनते हैं 2,500-3,000 रुपए। तो 2,500-3,000 रुपए में पूरा दिन हमने निकाला वरना सिटी में, जिसके अंदर हमारा हॉस्टल का प्राइस भी इंक्लूडेड है जो कि है 26 लैव, और हमने कुछ ग्रोसरी खरीदी है तो आज शाम का डिनर खुद से बनाया जाएगा। तो हम कल और हैं वरना में, यानी कि एक दिन और स्पेंड करेंगे और कल हम सिर्फ वरना घूमेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वरना में क्या क्या है घूमने के लिए और वरना सिटी कैसी लगती है इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।